ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी कुरपनखड उठाऊ पेयजल योजना को परीक्षण से एक सप्ताह पहले बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। श्रीखंड महादेव के निकट बादल फटने से कुरपनखड में आई बाढ़ के कारण इस परियोजना को करीब 10 करोड़ की क्षति पहुंची है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ये पेयजल योजना हिमाचल की सबसे बड़ी योजना है। इससे ठियोग विधानसभा हल्के के साथ साथ कसुमटी की पंचायतों को भी पेयजल उपलब्ध होना है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत बीथल में 3 बोरवेल ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने कुरपनखड पर क्षतिग्रस्त हुए 3 पुलों की जगह झूला पुल लगा दिए हैं। लोगों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने प्रदेश के सांसदों से भी आग्रह किया कि इस विपदा की घड़ी में प्रभावितों की मदद के लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस संकट में एकजुट होकर आगे बढ़ें। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये, योजना अंतिम चरण पे चल रही है, इस पे रात दिन काम हो रहा है और अभी हम एक सप्ताह के अंदर जो है परीक्षण करने वाले थे, लेकिन इस बाढ़ के कारण हमारी जो निर्मित संरचनाएं जिनमें इंटेक स्ट्रक्चर, सम्प वेल, पंप हाउस, राइजिंग मेन, एंकर ब्लॉक्स, इन संरचनाओं को नुकसान हुआ। अभी के आकलन के मुताबिक लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। हालांकि ये परियोजना में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम इस वर्ष के अंत तक इस परियोजना को का लोकार्पण करेंगे, वो शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने वैकल्पिक तैयारियां भी कर रखी है और जल्दी से जल्दी हम इस परियोजना को पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो नुकसान हमारा हुआ है उसमें निश्चित तौर पे हमें मदद जो है केंद्रीय और प्रदेश सरकार से मिलेगी। कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रदेश के लिए, लगातार दूसरे वर्ष ये हमें आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हम एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें 2 कदम पीछे धकेल देती है, लेकिन प्रकृति और मानव की जो द्वंद्वता है वो युगों से चली आ रही है। पिछले वर्ष भी जो हमारा देश का नुकसान हुआ, सरकार ने पूरा प्रयास किया और आम लोगों के जख्मों पर मलहम रखने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। हालांकि अभी जो बजट आया, अपनी बजट स्पीच में केंद्रीय वित्त मंत्री ने हिमाचल को आश्वस्त किया कि हमारी मदद की जाएगी, लेकिन किस रूप में की जाएगी अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। हमें आशा है कि हमें मदद मिलेगी और अभी जो और नुकसान हुआ है इस नुकसान को भी उसमें शामिल करने की जरूरत है। और मेरा प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं से, हिमाचल के जो सांसद हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो लोगों का नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करें।